एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बातें करेंगे भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी की आने वाली फिल्म दुर्गामती का ट्रेलर रिव्यू। जैसे आपने अगर दुर्गामती का ट्रेलर देखा है तो आपको झट से पता चल जाएगा कि दुर्गामती इज़ अ पुअर रीमेक ऑफ डायरेक्टर अशोक एंड एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म भाग्यमती, जो एवरी वीक टीवी पे आ रही है। तो लोगों ने भाग्यमती इतनी बार देखी है, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू वॉच दुर्गामती। कि दुर्गामती का जो प्रोमो शुरू होता है, शुरू से एंड तक ऐसा कुछ नहीं बताया ट्रेलर में कि लोग एक्साइट हो जाए और ये फिल्म देखे, ऐसा कुछ नहीं बताया। जो हॉरर सीन दिखा है, जो डराने वाले सीन दिखा है, उसमें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। वो झटका जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों पिक्चर के डायरेक्टर सेम ही है, अशोक जी डायरेक्टर है भाग्यमती और दुर्गामती के डायरेक्टर सेम है, फिर भी वो एक्साइटमेंट नहीं पैदा कर पाए जो भाग्यमती में कर पाए। क्योंकि भाग्यमती का जो अनुष्का शेट्टी का जो परफॉर्मेंस, उनका जो ऑरा था, वो ऑरा भूमि पेडनेकर का नहीं है। उनका जो अनुष्का शेट्टी जो स्क्रीन पे दिखा दी थी अपना जलवा, वो जलवा अनुष्का शेट्टी दिखाया, वो भूमि पेडनेकर नहीं दिखा पाई। क्योंकि भूमि पेडनेकर अनुष्का के सामने बहुत फीकी लग गई, और जो डरावने सीन्स है पिक्चर के, जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो भी उतना कुछ खास नहीं कि ऑडियंस को एक्साइट कर पाए। अरशद वारसी के जो एक दो सीन दिखाए वो अच्छे थे, लेकिन बाद में उनको ट्रेलर में गायब कर दिया। अगर शुक्र है वो सिर्फ ट्रेलर में गायब है, फिल्म में गायब नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर दो ही नॉन कैरेक्टर है पिक्चर में, अरशद वारसी और भूमि पेडनेकर, बाकी लोग तो सब ऑन नॉन फेसिस, फिर पिक्चर देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो दुर्गामती, अच्छा हुआ ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, थिएटर में नहीं आ रही है। थिएटर में दुर्गामती आती तो डिस्ट्रीब्यूटर की मती मारी जाती, बिकॉज दिस मूवी वुड हैव बीन अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस अगर थिएटर में रिलीज होती तो। OTT प्लेटफॉर्म पे ठीक है कि OTT प्लेटफॉर्म में तो बहुत सारा कचरा आते ही रहता है, तो अगर ये फिल्म दिखा दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनकी कितनी वेब सीरीज आती है, कितना सब कचरा आते रहता है OTT प्लेटफॉर्म पे, सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर एक दुर्गामती आ गई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुर्गामती को मैं 5 में से दूंगा 1 स्टार, बिकॉज द मूवी आई एम 100% श्योर इट्स अ फ्लॉप मूवी, ट्रस्ट मी इट्स अ फ्लॉप मूवी। और पिक्चर में उसका ट्रेलर में थोड़ा भी दम नहीं है कैसे ऑडियंस एक्साइट हो जाए। तो दुर्गामती का अगर थिएटर में आती तो उसका प्रीमियर शो था अमरावती में। आई एम जस्ट कडिंग, दुर्गामती OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इफ़ यू वांट टू वॉच यू वॉच, अगर अदरवाइज यू कैन वॉच भाग्यमती ऑन TV जो एवरी वीक आती रहती है। तो भाग्यमती इज डेफिनेटली 1000% बेटर देन दुर्गामती। सो दिस इज बॉबी बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।